अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था बिगेनिंग, मिडल एंड एंड में जो लेटर्स की शेप से कौन कौन सी या किस तरह से होते हैं, दाल तक हमने पढ़ लिया था। आज हम दाल से आगे कंटिन्यू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास लेटर है ज़ाल। बिगेनिंग में ज़ाल इस तरह से यूज़ होगा, और जब ज़ाल किसी भी लेटर के साथ ज्वाइन होगा तो इसकी ये वाली शेप होगी। ये एंडिंग शेप है ज़ाल की, क्योंकि ज़ाल किसी लेटर के मिडल में यूज़ नहीं होगा। मिडल से मुराद यह है कि इसके साथ इस तरफ कोई लेटर जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ पे कर सकता है। और ज़ाल हम पिछले लेसन में डिस्कस भी कर चुके हैं। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट लेटर है रॉ, और रॉ जो है एंडिंग में जो है इस तरह से यूज़ होगी रॉ। इसी तरह ज़ा भी है, सिर्फ यहाँ पे इसके साथ हेल्पिंग साइन आ जाएगा। और दूसरी जो शेप की रॉ और ज़ा है वो भी इसी तरह से जो है हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे आप इसको देख लें। सीन स्टार्टिंग में ऐसे यूज़ होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट इसका आएगा, मिडिल में स्टार्टिंग पार्ट आएगा, लेकिन इसके यहाँ पे शुरू में हेल्पिंग साइन आ जाएगा और यहाँ पे भी हेल्पिंग साइन आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी लेटर ज्वाइन होगा और यहाँ पे भी। तो इस तरह बाकी सारे भी हैं, तो मैं इनको आप इसमें मिला के तो आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक लेसन जो है वो मेक कर लिया है। तो इस तरह से हमने लेटर्स को जो है वो आपस में ज्वाइन करना है। स्टार्टिंग में लेटर्स किस तरह यूज़ होते हैं ये देखें, और मिडिल में कोई भी लेटर है तो उसका फर्स्ट पार्ट ही आता है जो स्टार्टिंग वाला होता है, लेकिन उसका ये होता है कि यहाँ पर जो है हेल्पिंग साइन शुरू में भी आ जाता है और एंडिंग में भी। लेटर जो है कंप्लीट नहीं होता तो उसके साथ नेक्स्ट भी लेटर को ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको। शीन सौद। अब यहाँ पे जो लेटर्स मिडिल में आ रहे हैं इसके दोनों साइडों पे हेल्पिंग साइन है, ठीक है, कनेक्टिंग साइन है। सौद जल ज। अब यहाँ पे देखें स्पेस है, क्योंकि ज़ा जो है वो नेक्स्ट लेटर के साथ ज्वाइन नहीं करता, मैं कई मरतबा बता चुका हूँ। ज सीन रॉ दौद ज़ल ज़ल। यहाँ पे स्पेस है, ज़ा ज़ाल डजन कनेक्ट विद नेक्स्ट लेटर। सौद सीन, सीन के सिर्फ तीन टीथ से हमें पता चल रहा है, और यहाँ पे इसके दोनों साइडों पे जो है वो कनेक्टिंग साइन है। ज रॉ अलिफ। अब ये देखें रॉ भी सेपरेट आया हुआ है, अलिफ भी सेपरेट आया हुआ है, ये तीनों लेटर आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे। रॉ अलिफ थौ शीन ज़ाद सौद। ठीक है, एंड में कंप्लीट लेटर है लेकिन यहाँ पे कनेक्टिंग साइन आ गया। ज़ाइन ज़ाद आइन। अब ये आइन है क्योंकि नेक्स्ट लेटर के साथ ज्वाइन हो रहा है। अगर ये हमज़ा होता, अगर आपको कंफ्यूजिंग अभी भी हो रही है, तो हमज़ा के यहाँ पे जो हेल्पिंग साइन है वो ज्वाइन होता और हमज़ा उसके ऊपर होता है यहाँ पे। ठीक है, आइन ज़ो ज़ो थो आइन। अब ये आइन है, और हा में क्या डिफरेंस है, हा के पास यहाँ पे ये वाली शेप होगी। ठीक है, हा इस तरह से होगी और इसका हम हटा देंगे आइन। तो ये हमने आइन तक आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम इसको याद तक कंप्लीट करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।